IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्रंथपाल रहे पद्मश्री से रघुनाथ के पुण्य स्मरण पर R&T मार्ग स्थित हिंदी साहित्य भवन में सदाशिव कौतुक भाषा उन्नयन सम्मान का आयोजन होता है, जहां इसी कड़ी में शुक्रवार को भी साहित्य से जुड़े लेखक, पाठक और लाइब्रेरियन का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह स्थापित करने वाले सदाशिव कौतुक, जो कि साहित्यकार है, उन्होंने बताया कि पहले हर वर्ष यह सम्मान अलग अलग वर्गों में हर वर्ष दिया जाता था, किंतु बीते वर्ष से पूर्व गृह मंत्री रहे बाला बच्चन की मंशा के अनुरूप उनके द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, जहां इस बार लेखक, पाठक और लाइब्रेरियन को यह सम्मान एक मंच से एक साथ दिया गया। वहीं बाला बच्चन ने भी मीडिया के सामने इस समारोह को लेकर अपनी बात रखी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री सदाशिव कौतुक जी हैं, उनके द्वारा भाषा उन्नयन सम्मान दिया जाता है और आज के दिन को चुना गया था। तो इसमें जो अच्छे साहित्यकार है, जो अच्छे लेखक है, अच्छे पाठक है, अच्छे ग्रंथपाल है, उनको दिए जाते हैं। और उसके बाद जो इंदौर पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग की तरफ से भी जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो मेधावी छात्र है उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह का सम्मान रखा गया था, जो कि आप सब जानते हैं कि 27 सितंबर जो हमारे जो महान ग्रंथपाल रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर SR रंगनाथन जी की पुण्यतिथि के स्मरण में दिया जाता है, और ये उनकी पुण्यतिथि है 27 सितंबर को। इस कारण से आज ये सम्मान समारोह रखा गया था और इसमें मेरे स्वर्गीय माता पिता के नाम को भी सम्मान में जोड़ा गया है। पर सम्मान का नाम जो रखा गया श्री सदाशिव कौतुक भाषा उन्नयन सम्मान 2024, ये जो दिया गया, इस कार्यक्रम में मैं आज आया था। सर, आप रविवार में